मेरा नाम रवि देव है और ग्रीन म्यूज़िक ऑफिशियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम यंग टैलेंटेड सिंगर्स को, एक्टर्स को और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सारे जुड़े हुए लोग हैं उनको हम यंग टैलेंट्स को इनवाइट करते हैं जिसमें कि उनको प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे बढ़ पाए। ये है क्या कोई चैनल है, म्यूजिक चैनल है या आप स्टार्ट कर रहे हो इसको? ये एक म्यूज़िक चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है और साथ में आगे हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। स्टार्टिंग हमने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया, ग्रीन म्यूज़िक ऑफिशियल के नाम से है और जिसके साथ एसोसिएटेड है ग्रीन फिल्म प्रोडक्शंस, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और आगे टैलेंट्स को मौका दे रहे हैं। कहाँ कहाँ के लोगों को मौका मिलेगा जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में नहीं कर पाते रास्ता नहीं मिल पाता है, तो किस लेवल पे जाके आप काम करेंगे? ये हम लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास जो भी सिंगर्स आए हैं, जैसे कि आज भी हमारे पास यूपी से कुछ सिंगर्स आए हैं, एक दो पंजाब से सिंगर्स आए हुए हैं, तो हम ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सिंगर्स हैं और जो एक्टर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता तो हम उनको पहले इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो भी अपना करियर स्टार्ट कर सकें। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को हम इन्वाइट करते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, वो अपने डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं और हम अगर हमें लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का टैलेंट हो या एक्टिंग का टैलेंट हो, तो हम उनको बॉम्बे इनवाइट करते हैं और उनको आगे का मौका देते हैं। ये जो भी आर्टिस्ट यहाँ से निकल के जाएंगे वो इसी मंच तक महदूद रहेंगे या फिर आगे भी बढ़ेंगे कुछ? हाँ, मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ हमारा एल्बम आ रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मतलब यहाँ से उनको स्टार्टअप है। मतलब जानना चाहेंगे, फर्स्ट मेरा नाम अभय देव है, तो इनको पहला स्टार्टअप है यहाँ से। स्टार्टअप होने का हम लोग पहला देखते हैं इनका सिंगिंग कैसा है, एक्टिंग कैसा है, फिर उसको हम लोग लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब एक लेवल पे लॉन्च करते हैं एल्बम सॉन्ग, तो यही स्टार्टअप रहता है। सोच कहाँ से आई आपके दिमाग में कि इस तरह का हमें काम करना चाहिए, मौका देना चाहिए, कहाँ से सोच आई? ये सोच मुझे यहाँ से आई कि मैं भी एक स्ट्रगल था जब मैं ये सब कर रहा था, जब स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे किसी ने चांस नहीं दे रहा था, बहुत जगह मैंने ट्राई किया किसी ने चांस नहीं दिया, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना ही चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑन माय प्रोडक्शन। तो मैंने अपना खुद का ही किया जिसमें मेरा रवि सर बेखूबी साथ दिया है, सनवाद सर ने साथ दिया है, हम लोगों ने मिल के अपना एक ओन क्रिएट किया है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर बात करें जैसे ये निकल गया है म्यूजिक एल्बम का, तो प्रोडक्शन हाउस के अंदर में कुछ हम लोग ने अभी लेबल के साथ काम करना चालू किया है, अभी अभी सीनियर तो अभी है नहीं, खुशबू जैन के साथ ने हमने अभी हाल ही में काम किया था, उसके बाद हम लोग ने अभी लेबल के साथ हमने अभी नाम नहीं बोल सकता हूँ लेकिन लेबल से हम लोग कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एल्बम हमारा आएगी लेबल के साथ ही। संजय जी सर, अच्छा अच्छा मार्केट के भी कुछ बंदे नज़र आएंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि बात कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, तो अच्छे सिंगर जो होते हैं तो पहले जो लोग जैसे कि कुछ लोग 6 महीने टीवी पे काम किए हुए हैं या साल भर काम किए, अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा वो काम कर रहे होते हैं, उनका भी उनके पास भी टाइम रहता है, तो हम लोग इंगेज करते हैं कि वो लोग भी मोटिवेट करें हमारे यंग एक्टर्स लोगों को। तो अगर सिंगर्स के हमारे अच्छे सिंगर्स के गाने हुए तो टीवी के एक्टर और एक्ट्रेस लोगों का मौका दिया जाता है और साथ साथ में जो फ्रेशर सिंगर्स हैं उनको भी मौका दिया जाता है। हमने काफ़ी इसमें मेहनत किया है, काफ़ी। इससे पहले क्या किया अगर जानना चाहें आपके बारे में, कि कोई आपके एकदम से ट्रस्ट क्यों करे, क्या किया आपने और कुछ अपने बारे में बताइए। अभय सर और मैं हम दोनों काफ़ी स्ट्रगल किए, राइट, तो बट सक्सेस मिला नहीं, तो हम लोग डिसाइड किए कुछ करना चाहिए, तो रवि सर भी हमारा सपोर्ट किए, हम लोग कुछ करने के लिए तो कुछ नया प्लान बनाया, तो आगे के लिए हमारा कितने सारे एल्बम आए, मैंने उसमें कितने सारे गाना गाए हैं। पहले मेरा एल्बम आया था जब से दर्शक तू दिल में दी, उसके बाद आया मेरा जिंदगी जिंदगी में रहना तू, बेसिकली सिंगर होगा ये आया। दो लाइन गुनगुना दो कोई आपके लिए सबसे करीब गाना जो दो लाइन गुनगुना के लिखो। क्यों दिल मेरा तोड़ दिया,
क्यों साथ मेरा छोड़ दिया, क्यों दिल मेरा तोड़ दिया, क्यों साथ मेरा छोड़ दिया, ओ बेवफा, ओ बेवफा मुझको बता। या हिमे जी या उतारेंगे बट यस। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रंभा भगत, मेरा नाम रंभा भगत है। अभय जी के बारे में, शाहनवाज और रवि जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मौका मिला आपको, इन्होंने क्या सपोर्ट किया? एक्चुअली मैं रवि सर को जानती हूँ, रवि सर का, अभय सर और शाहनवाज सर को जानती हूँ, और उन्होंने बोला मुझे शौक है कुछ एक्टिंग का, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर सकते हो। क्या है ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल, कैसे जुड़ी हैं आप? मैं रवि सर के मैं रवि सर के काम जुड़ी हूँ। रवि सर क्या इसमें आप एक्टिंग करेंगे, क्या करेंगे? एल्बम सॉन्ग के साथ। क्या फ्यूचर क्या डिसाइड किया है? बस ओनली एंजॉय करने के लिए मैं कर रही हूँ, शौक है मेरा, हॉबी है। तो मौका मिला आगे भी हाँ मौका मिला तो मैं आगे बढ़ूँगी। ओके हाँ। इनके रवि सर के बारे में, शाहनवाज और दुबे जी के बारे में क्या कहना है, कितना कुछ मतलब थैंक्स बोलेंगे इनको कि ये मौका दे रहे हैं आप? नहीं मैं इन लोग शाहनवाज सर को, अभय सर को पर्सनली थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और स्पेशली रवि सर को। मेरा नाम जानवी मिश्रा है। मैं इस एल्बम हमनवा में एज अ सिंगर एंड एन एक्टर के तरह काम करने वाली हूँ। कैसे मौका मिला आपको? मैं रवि सर को जानती थी, सो फिर एक दिन मैं उनके पास आई एंड देन ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा भी आप No, this is my first time. Future क्या है इसमें, मतलब आगे अगर मौका मिलेगा, family का क्या support है? बहुत tough है। मेरे dad और mom का सबसे ज़्यादा support है। अभी बहुत छोटी हो आप। Yes. और education भी होगी, पढ़ाई लिखाई भी होगी, तो कैसे manage करोगी? Acting अगर आपको ज़्यादा मौका मिलने लगा तो फिर हो जाएगा सर। मैंने पहले से सब डिसाइड करके रखा हाँ। सीज वेरी इंटेंशन। शाहनवाज और इनके बारे में क्या बोलेंगे? वो लोग भी मतलब उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी, उन्होंने बहुत हेल्प किया हुआ मेरा। तो सिंगिंग के अलावा भी कुछ और करेंगे अगर एक्टिंग में मौका मिल गया तो? एक्टिंग करेंगे। यस। डांसिंग में मौका मिल गया? डांसिंग हार्ड टू से बट एक्टिंग एंड सिंगिंग ओके। हाँ, व्यास संगीत विद्या मंदिर। तो दो लाइन हो जाए। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्कदा चोला पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी, मैं नचती फिराऊं बाले ठन बलिए हो, मैं नचती फिराऊं छम छम छलिए हो। मैं श्रेया घोषाल और नेहा कक्कर को। अगर उनके साथ में कभी गाने का मौका मिला तो कितना प्राउड फील करेंगी? बहुत बहुत।
मेरा नाम सरिता वर्मा है, मैं यहाँ पर सर के ज़रिए इधर पर आई हूँ, रवि सर के ज़रिए। हमारी बात कॉल पे हुई थी तो उसी से पता चला। जब आप आई तो क्या देखा आपने, कितना सपोर्ट मिला इन लोगों का आपको? सर मतलब बैक टू बैक मतलब कॉल करने लगे थे और मुझे बहुत इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो इसलिए मतलब इसमें मैं आ गई और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जगह पर मतलब आना है, तो फिर हम आ गए इधर। गाने का जैसे मौका मिला है आपको इसके अंदर, तो कैसा मतलब क्या आपने तैयारी की है उसके बारे में? इससे पहले कहीं और आपने म्यूजिक क्लास सीखी? क्लास सीखी है और प्रैक्टिस घर पे करते हैं, एरोली स्पॉटलाइट क्लासेस में कंप्लीट किया है। इसमें आप इस म्यूजिक एल्बम में हम लोगों ने एक्टिंग भी करेंगे या सिर्फ सिंगिंग करेंगे और थोड़ा बहुत एक्टिंग करेंगे? ये मतलब पहला हाँ जी फर्स्ट, इसके पहले मैंने नहीं किया है ऐसे, मतलब फर्स्ट टाइम है ये मेरा। बहुत टफ है एक्टिंग और नहीं कर लेंगे, तैयारी करके रखी क्लासेस अगर ज्वाइन करने की जरूरत पड़े तो? नहीं क्लास तो पहले हो गया है, बट थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। कितना सपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज रवि? सबका सपोर्ट है, रवि सर का ज़्यादा है, अभय सर का भी सपोर्ट है और शाहनवाज सर का भी है। इस लाइन में आने के लिए जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है, फैमिली का कितना सपोर्ट? फैमिली का भी है सपोर्ट बट इतना नहीं है। बोल रहे हैं कि हाँ मतलब आगे चल के और कुछ करना पड़े, मौका मिले फिल्मों वगैरह में तो ट्राई करोगे? हाँ ज़रूर करूँगी। कुछ कहना चाहोगी? आइडियल कौन है, किसको आप फॉलो करती हो? मैं श्रेया घोषाल को फॉलो करती हूँ और लता मंगेशकर। दो लाइन हो जाए इसी बात पे। और मोनाली ठाकुर भी है, ऐसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो मैं मोह मोह के धागे गाना चाहूँगी। दो लाइन मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर हाये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कभी अगर टीवी पे आने का मौका मिला, जैसे बहुत सारे सिंगिंग शो होते हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्राई करेंगे? ज़रूर ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसे जुड़े इस प्रोडक्शन हाउस से, कैसे मौका मिला? जी सर, मेरा नाम अफरोज अहमद खान है, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। तो मेरा कॉन्टेक्ट इनसे मोबाइल के ज़रिए हुआ और फिर मैं आके इन लोगों से मिला हूँ। आप सिंगिंग के बारे में जैसा अपना शो है उस हिसाब से हम अपना सिंगिंग करेंगे। बहुत अच्छा इन लोगों का स्वभाव है, हर चीज़ मिलना जुलना, तो इनके माध्यम से हम इनके चैनल पे आए हुए हैं और थोड़ा इनके चैनल पे आज हम सिंगिंग करेंगे। पहले भी आपने कहीं गाया है गाना? बहुत सिंगिंग जो है बहुत टफ है। जी सर, गाया हूँ जैसे कॉलेज के दौरान अपने स्कूल में। ट्रेनिंग वगैरह ली आप? नहीं ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने कहीं, बस ऐसे ही चलते फिरते खुद ही अपना सीख रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं। ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं जब आप यहाँ पे आके मिले तो ये प्रोडक्शन? जी इनका सपोर्ट, मेरा पूरा सपोर्ट है मेरे साथ इनका, और अभय सर का भी है और शाहनवाज सर हैं, सबका मतलब पूरे प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट मेरे साथ है। तो कुछ कहना चाहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि बहुत लंबा है और बहुत कठिन भी है? जी कठिन तो है सिंगिंग स्पेशली। जी जी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपसे कि कोई काम नहीं है मुश्किल, जो किया इरादा पक्का,
इंसान का सबसे बड़ा इरादा मजबूत होना चाहिए, इरादे से ही हर काम आसान होता है। तो पूरा ठान के रखे हुए हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा पैशन मिल गई है आपको। अब सीढ़ी तो पहली सीढ़ी मिल गई, अब इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे सीढ़ी मिलती जाएगी। खुशी हो रही है? जी हम बहुत खुश हैं बिल्कुल। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे और कैसे जुड़े हैं? जी मेरा नाम आशुतोष निर्भय है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ व्हाट्सएप के जरिए हमें रवि सर से, मेरे पास तो आवाज़ पहुँची थी, मेरी आवाज़ को किसी की आवाज़ ने पहचाना, जो आवाज़ रवि सर ने मुझे वहाँ कॉल किया था कि आप आइए, इस वजह से फिर उन पे विश्वास करके मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, रवि सर, शहनवाज सर, अभय सर, तीनों ने बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मतलब ये गाना इससे पहले भी कभी गाया है आपने? जी नहीं, मैंने कभी गाना नहीं गाया, मैं तो बाथरूम सिंगर ही हूँ। अभी तो बाथरूम सिंगर ही बहुत बड़े हो गए ना। मतलब कितनी तैयारी की है आपने, इससे पहले कहीं सीखा है? सीखा तो वैसे कहीं नहीं है, कुछ हमारे जो बड़े हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं वहाँ, तो उनके जरिए बचपन से ही हमारे घर कीर्तन वगैरह होता रहता था, तो वहाँ बैठते थे, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें रुझान हुआ, मेरा कुछ ज़्यादा हो गया। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा 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 सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। तो दो लाइन हो जाए, देखें आप बाथरूम सिंगर बोल रहे हैं तो दो लाइन गुनगुना दो की बात। मेरे फेवरेट किशोर कुमार जी हैं, तो उनका एक थोड़ा सा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। किशोर जी एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्रीज का जी, और उस जैसी आवाज़ जो है बहुत मुश्किल है आज की डेट में आना। कितना फॉलो करते हैं आपके आइडियल भी वही हैं, आपके प्रचारक है जी जी, मैं गाने सुनते हैं आप उनके, कितना फॉलो करते हैं उनको, बहुत कठिन है। हाँ इतना उनका गाना तो उनका नहीं सुना है, लेकिन उनको मैंने भगवान मान लिया है, तो वो मुझे इतना फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ वो मुझे मेरे साथ हैं, मुझे उनसे बहुत लगाव है आपको पूरी। मेरे लिए वही शंकर भगवान हैं, वही सरस्वती हैं, सब कुछ वही हैं। मामा जी कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? बस बच्चों ने इतना बड़ा काम किया है, प्रोडक्शन हाउस पूरा खोल दिया, अभी एक म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं हम नवा, हाँ। तो कितना आशीर्वाद है, कितना सपोर्ट है आपका? बस हमारा पूरा सपोर्ट है, ये लोग आगे बढ़े, सब अच्छे सफलता मिले इनको। केवल मामा जी ने ही मुझे सपोर्ट दिया है। अच्छा। और मेरे परिवार से मेरे पापा ने भी सपोर्ट किया है, मेरी पत्नी ने भी किया है, कुछ लोग वो होता हो है सकते हैं। तो मामा जी सही काम कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं। थोड़ा ऊंच नीच होगा तो इनको आप गाइड करेंगे, समझाएंगे? हाँ जरूर जरूर। तो खुशी हो रही है आपको भी? हाँ खुश हैं, खुश हैं आप? हाँ साइड हैं जी, तो सब तरफ से सपोर्ट सब कर रहे हैं, धन बल मन तन सबसे। हाँ सब 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 सब। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए और कैसे जुड़े? मेरा नाम राज थापा है, मैं सर मिस्टर शहनवाज से जुड़ा हूँ, ये मेरे क्लोज फ्रेंड है, इसके जरिए मैं रवि सर और अभय सर के पास पहुँचा हूँ। रवि सर और अभय सर का मेरा फुल सपोर्ट उसने मुझे किया है, और ग्रीन चैनल म्यूज़िक मैं बोलूँगा, ये बहुत अच्छे चैनल है जिसे सबको चांस दे रहा है, और ऐसा चैनल होना चाहिए जो हर एक उभरते हुए युवा को पहचाने और उसको चांस दे। तो कैसे मिला ये हमनवा आपको? हमनवा मुझे मिले रवि सर के सपोर्ट से, इसने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, इससे मुझे सर ने मुझे चांस दिया। इससे पहले भी कभी की है आपने? इससे पहले मैं बस ट्राई करता था, कोशिश करते थे, लेकिन किसी से जुड़ा नहीं था, तो लास्ट में जाके मुझे रवि सर का नंबर मिला,
तो मुझे सपोर्ट मिली। इन लोगों का धन्यवाद है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों का, जो इन लोगों ने मुझे पहचाना, मुझे चांस दिया, अपने ग्रीन चैनल से मुझे जुड़ाया। यस, धन्यवाद का तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे रवि सर से मिलाया, इन्होंने मुझे बताया ग्रीन चैनल म्यूज़िक ऐसा है, बहुत अच्छे है, बहुत बड़ा नाम है, तुम चांस ट्राई लगाओ, यू हैव अ टैलेंट, तुम कर सकते हो। कैसे पहचाना शहनवाज जी आपने? देखो, जो भी इंसान मेहनत करता है उनकी मेहनत में एक काबिलियत दिखती है, राइट। अगर से मुझे कितनी बार मुझे बोल चुके हैं प्लीज़ मुझे कुछ करना है, तो मैं इनको इग्नोर करता था, तो काफ़ी मुझे काफ़ी फॉलो करते थे, तो इनको मैं रवि सर से मिलाया, तो रवि सर इनको फाइनल कर दिए, आपको एक चांस। यस।